Good morning everyone. So as we have completed our chapter 1 and 2 and also provided notes of chapter 1, so today I am going to start our third chapter, which is school and its organization. Okay, so here we'll learn about different topics like physical and human resource, school plan, curriculum, computer, NCERT, SCERT, etc., etc. Okay, so first we have to learn about school plan. What is school plan? Okay, so we can say that school plan is a very broad term which includes all the equipments like physical and human resource of a school. Okay, school plan का मतलब है जो कि बहुत ही बड़ा term है, तो school plan बोलते ही हम लोग समझ जाना चाहिए हम लोगों को कि इसमें क्या include होता है. दो चीज, एक है physical resource और एक है human resource. बोलने से हम लोग के माइंड में आ जाना चाहिए कि स्कूल प्लान एक बहुत ही बड़ा टर्म है जिसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है. मतलब एक स्कूल बोलने से भी जितना सारा चीज आता है वो सारा मिलके होता है स्कूल प्लान. ठीक है, तो स्कूल प्लान में हम लोग को मेनली मिलता है फिजिकल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स. तो फिजिकल रिसोर्स क्या है? जैसे कि फिजिकल रिसोर्स हम लोग बोल सकते हैं लैंड, मतलब वो जहाँ पे स्कूल है, जो लैंड है, जो जगह है, वो होगा फिजिकल रिसोर्स. नेक्स्ट हम लोगों का आएगा क्लासरूम, स्कूल बिल्डिंग, एटसेट्रा. तो ये सब हम लोग बोल के बहुत सारा है फिजिकल रिसोर्स जो कि मटेरियल है. याद रखना, स्कूल में जो जो मटेरियल्स है वो सब होता है फिजिकल रिसोर्स, लाइक लैंड, क्लासरूम, स्कूल बिल्डिंग, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, मतलब ऐसा जितना भी सारा है वो सारा है फिजिकल रिसोर्स. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को मिलेगा ह्यूमन रिसोर्स. तो ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या है? टीचर, स्टूडेंट्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, एटसेट्रा, कुक, सिक्योरिटी, जितना भी है पियोन, क्लर्क, जितना भी है सब सर क्या है, वो सब है ह्यूमन रिसोर्स. तो समझ में आया ही होगा तुम लोगों को कि स्कूल प्लान एक बहुत ही बड़ा टर्म है जिसमें मेनली फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड होता है. फिजिकल रिसोर्स का मतलब है जो मटेरियल्स है उसमें लैंड, क्लासरूम, स्कूल बिल्डिंग, डेस्क, बेंच, लेबोरेटरी, इक्विपमेंट्स, टीचिंग एड्स, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चार्ट, चौक, डस्टर, मतलब जितना भी है वो है फिजिकल रिसोर्स. नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स जो कि है टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, कुक, सिक्योरिटी, एटसेट्रा. तो ये सारा है ह्यूमन रिसोर्स. तो ये दोनों मिला के पूरा होता है स्कूल प्लान. ठीक है, तो स्कूल प्लान का मतलब समझ में आया. नेक्स्ट हम लोगों को चाहिए होगा जो कि फिजिकल रिसोर्सेज है जिसके लैंड, क्लासरूम, स्कूल बिल्डिंग, तो वो सब जो मतलब चूज करने के लिए या बनाने से पहले क्या क्या पॉइंट हम लोगों को याद रखना पड़ता है. सपोज तुम एक स्कूल बनाने जा रहे हो, तो ये नहीं कि तुम जहां मर्जी वहां स्कूल बना दिया, ऐसा नहीं हो सकता है. स्कूल बनाने के लिए जो जगह तुम सिलेक्ट करोगे उसका कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ या मतलब पॉइंट्स है, वो सब ध्यान रख के तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वो स्कूल बिल्डिंग बनाना पड़ेगा. तो वो पॉइंट्स क्या है देखो एक स्कूल का लैंड या साइट जहां पे स्कूल बनेगा
वो जगह सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज हम लोगों को ध्यान में रख के वो चीज बनाना पड़ता है वो देखो। फर्स्ट जो पॉइंट है, द साइट शुड नॉट बी वेरी क्लोज टू द मेन रोड नॉर फार फ्रॉम इट, द सराउंडिंग शुड बी हेल्दी। तो जहाँ पे स्कूल बिल्डिंग बनेगा, वो स्कूल बनेगा, वो मेन रास्ता से एकदम पास नहीं होना चाहिए और ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों बोला गया देखो, तो सपोज स्टूडेंट्स आने में उतना प्रॉब्लम ना हो, इतना दूर की मेन रोड से बहुत दूर तुमको चल के बहुत मतलब 2-3 किलोमीटर चलना पड़े, पैदल जाना पड़े, तो वो तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सुबह सुबह तुम लोगों को आना पड़ता है, टाइम मतलब टाइम में पहुंचना पड़ता है। तो इसीलिए बोला गया कि स्कूल बनाने से पहले वो देखना पड़ेगा कि वो मेन रास्ता से ज्यादा दूर ना हो, ताकि स्टूडेंट्स को जाने में प्रॉब्लम हो, ठीक है। और ज्यादा पास भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेन रोड के पास होने से क्या होता है, हमेशा वो गाड़ी के आवाज, इसके बाद हॉर्न के आवाज, ये सारा होने से हम लोगों को डिस्टरबेंस हो सकता है। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट में बोला गया कि जो स्कूल का लैंड है, वो साइट है, वो हम लोगों को चूज करने से पहले देखना पड़ेगा कि वो मेन रोड से ज्यादा पास ना हो और ज्यादा दूर भी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया, द सराउंडिंग शुड बी हेल्दी, और जहाँ पे स्कूल बनेगा उसका सराउंडिंग, आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो एजुकेशन के लिए हम लोगों को एक पीसफुल, एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट में बोला गया, इट शुड हैव गुड कम्युनिकेशन फैसिलिटी। तो जहाँ पे स्कूल बनेगा उस पे क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए, कि स्टूडेंट हो, टीचर्स हो, या कोई भी आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि हम लोग के कॉलेज में देखो, ऑटो से हम लोग इजीली कहीं से भी आ सकते हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है। तो वो कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए, ऐसे जगह पे स्कूल होना चाहिए कि उसका कम्युनिकेशन फैसिलिटी बहुत ही अच्छा है, आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। थर्ड है, द लेवल ऑफ द एरिया शुड बी लिटिल रेस्ड सो दैट वाटर लॉगिंग डज नॉट टेक प्लेस। तो क्या है, जो स्कूल और जहाँ पे स्कूल बनता है वो जगह क्या होना चाहिए, मेन जगह के लेवल से थोड़ा रेज होना चाहिए, थोड़ा मतलब ऊपर होना चाहिए, ताकि उसमें क्या ना हो, मतलब पानी लॉगिंग ना हो, वाटर लॉगिंग। सपोज बारिश का मौसम है, ज्यादा बारिश होने से स्कूल के आसपास पूरा पानी हो जाने से आने जाने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, स्कूल बनाने से पहले देखना पड़ेगा कि वो जगह मेन लेवल से थोड़ा ऊंचा है, रेज है, ठीक है, ताकि उसमें कोई पानी जमा ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, द शेप ऑफ द लैंड शुड बी प्रिफरेबली रेक्टेंगुलर। तो वो जो स्कूल बिल्डिंग का जो लैंड है, जो साइट है, सबसे हम लोग प्रेफर करते हैं रेक्टेंगुलर साइज का, ठीक है, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग का हम लोग रेक्टेंगुलर शेप में ही वो बिल्डिंग होता है। स्क्वायर शेप होने से क्या होता है, वो बिल्डिंग देखने में भी वो अट्रैक्टिव नहीं होता है, और हम लोग मतलब इतने अच्छे से वो हम लोग मतलब बनाने में भी प्रॉब्लम होता है। तो स्कूल बिल्डिंग का मेनली साइड का जो शेप है, जमीन का जो शेप है, वो मेनली होना चाहिए रेक्टेंगुलर शेप। जैसे कि हम लोग का कॉलेज बिल्डिंग देखो क्या है, रेक्टेंगुलर, और उसका साइड और लेंथ भी क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। नेक्स्ट है, देयर शुड बी स्कोप फॉर फर्दर एक्सपेंशन इन फ्यूचर। तो जो जहाँ पे स्कूल बनेगा उसमें इनफ जगह मतलब खाली रहना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में चाहिए तो हम लोग उसको एक्सपांड कर सके, बढ़ा सके। ऐसे नहीं कि हम लोग पूरा लिमिटेड, जितने इतना छोटा जगह लिया, पूरा हमने स्कूल बिल्डिंग बना दिया, और फ्यूचर में अगर हम लोग एक्सपांड करना चाहे तो नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी प्रोविजन फॉर फ्यूचर एक्सपांशन। जरूरत होने पे हम लोग क्या कर सकेंगे, उसको अगर बढ़ा पाएंगे तभी वो एप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इट शुड नॉट बी नियर टू पब्लिक प्लेसेस लाइक बस स्टैंड, मार्केट प्लेस एक्सेट्रा।
ये जो है स्कूल बिल्डिंग बनाने से पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो स्कूल बिल्डिंग के आसपास कोई मतलब पब्लिक प्लेसेस नहीं है, सपोज बस स्टैंड। इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल में बोला गया है कि मार्केट प्लेस, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हमेशा भीड़ रहता है, लोगों का भीड़ रहता है, उसमें ज्यादा शोर होता है। अगर हम लोग आसपास इतना आवाज होता रहेगा, बस स्टैंड का, बस का हॉर्न होगा, मार्केट प्लेस का इतना शोर होगा, तो हम लोग मतलब एजुकेशन में हम लोग बहुत ही क्या कर पाएंगे, मतलब डिस्टरबेंस फील करेंगे। इसीलिए स्कूल बनाने से पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि स्कूल लैंड के आसपास कोई पब्लिक प्लेसेस नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ ये 6 पॉइंट्स दिया गया है, और भी बहुत सारा पॉइंट्स हैं, जैसे कि कोई एंटरटेनमेंट प्लेस, जैसे कि सिनेमा हॉल, इसके बाद कोई वो क्या होता है ना, सर्कस वर्कस दिखाते हैं, मेला लगता है, ऐसे जगह से भी थोड़ा दूर होना चाहिए। कोई भी एंटरटेनमेंट का वो स्कोप नहीं रहना चाहिए। सपोज एक सिनेमा हॉल के पास कोई स्कूल है, तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, चांसेस है कि कॉलेज छोड़ के भाग करके वो सिनेमा हॉल में घुस जाए। तो ऐसा कोई प्रोविजन रखना नहीं चाहिए कि स्कूल के आसपास ऐसे कोई सिनेमा हॉल नहीं रखना चाहिए। और एक है जैसे कि स्कूल के आसपास कोई बरियल या वैसा नहीं होना चाहिए, क्रिमेशन जहाँ पे होता है वो सारा नहीं होना चाहिए। इसके बाद और है जो कि मतलब स्कूल का जो क्लासरूम बनाने के लिए कैसा शेप होना चाहिए, वो सारा पॉइंट्स है। तो मेनली तुम लोगों को ये 6 पॉइंट्स ही चाहिए होगा, ये सीखने से हो जाएगा, तो इजी है बहुत। यहाँ पे हम लोग को क्या क्या मिला कि ये मेन रोड से थोड़ा दूर भी मतलब पास इतना होना मतलब सॉरी मेन रोड से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए और ज्यादा पास भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें कम्युनिकेशन फैसिलिटी बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो जो लेवल है लैंड का, जो लेवल है स्कूल का लेवल, थोड़ा रेस्ड होना चाहिए ताकि उसमें वाटर लॉकिंग ना हो। इसके बाद शेप, लैंड का शेप रेक्टेंगुलर सबसे प्रेफरेबल है। नेक्स्ट है फर्दर एक्सपांशन के लिए जगह होना चाहिए, और उसमें कोई पब्लिक प्लेसेस से दूर होना चाहिए, जो कि मार्केट प्लेस बस स्टैंड है उससे थोड़ा दूर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा गया। तो इसमें अगर समझने में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तुम लोग बोल सकते हो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे ही पॉइंट्स हम लोग को मिलेगा कि स्कूल बिल्डिंग या क्लासरूम बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ये गया लैंड का, कि लैंड चूज करने से पहले हम लोगों को क्या क्या पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग को मिलेगा क्लासरूम और स्कूल बिल्डिंग का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस।